अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हों आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मेथी खीमा, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है ये, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे हम बाजरे की रोटी के साथ सर्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। मेथी कीमा बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है मटन या उसका कीमा, हमने मशीन का कीमा नहीं लिया है। इसे हमने उबाल कर ले लिया है। इसमें नमक, हल्दी और प्याज ऐड किया था हमने, और ये हमने भाजी ले ली है मेथी की। इसे हमने 500 ग्राम ले लिया है। इसे हमने वॉश करके ले लिया है अच्छी तरीके से, और इसको आप छन्नी में भी रख सकते हैं, इसका पानी निकल जाता है। एक कढ़ाई में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करके ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली, जिसकी हमने पेस्ट बना के ले ली है। इसमें हमने 1 टीस्पून भर के ऐड की है। ये तीखी वाली मिर्च है, आप अपने हिसाब से ले। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने 2 टीस्पून भर के ले ली है। इसे हम चलाते हुए भून लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो, 2 मीडियम साइज़ के, इस तरह हमने चॉप करके ले लिए हैं। आप चाहें तो टमाटो को स्किप भी कर सकते हैं, बिना टमाटर के भी ये टेस्टी बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं मसाले को। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन कीमा, जिसे हमने पहले ही उबाल के रख लिया था, ये देखिए, और इसे भी हम मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। मेथी की भाजी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इसे हम हल्के हाथों से मिला लेते हैं मसालों के साथ, और जैसे जैसे हमारी मेथी की भाजी पकती जाएंगी, वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी कम होती जाएंगी। ये देखिए, फुल फ्लेम पे हमें इसे पका लेना है। अब हम बाकी की भी भाजी इसमें ऐड कर देते हैं, और सारी भाजी हम इसी तरह से इसमें ऐड कर देंगे। अब हम सभी भाजी को अच्छी तरह से इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं, ऊपर नीचे पलट पलट करते हुए। ये देखिए मेथी का पानी कितना इसमें से रिलीज हुआ है। अब हम इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं, जब तक इसका पानी भी सूख जाएगा और मेथी की भाजी बनकर रेडी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। 5 से 10 मिनट हम इसे ऐसे ही खुला पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट बाद का पानी थोड़ा बाकी है अभी। अब ये हमारी भाजी बनकर रेडी है, बस इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये पक चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेथी खीमा बनकर रेडी है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे बाजरे की रोटी के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।